जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मनोरंजन के साथ साथ आप मनोयोग से अध्ययन भी कर रहे होंगे। आइए अध्ययन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में आपने पीड़ा की गायिका महादेवी वर्मा को पढ़ा। काव्य खंड के अंतर्गत उनके काव्य वर्षा सुंदरी और हिमालय के बारे में आपने पढ़ा। हिमालय की बर्फ से ढकी सुंदर चोटियां जिस देश के सौंदर्य का संवर्धन करती हैं, वो देश है आपका देश, वो देश है मेरा देश, वो देश है हम सभी का, वह है हमारा प्यारा स्वदेश। आइए बच्चों, आज काव्य के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सभी पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है स्वदेश प्रेम। आइए बच्चों, पाठ परिचय की तरफ चलते हैं। हम और आप पाठ का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं, जो पूरे पाठ्यक्रम में बहुत सहयोगी सिद्ध होने वाला है। ये संक्षिप्त जानकारी आपके विस्तृत अध्ययन में बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगी। बच्चों ध्यान दें, पाठ का नाम स्वदेश प्रेम, रचयिता पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। बच्चों, रचयिता शब्द का प्रयोग हुआ है। आप सभी जानते हैं कि काव्य की सर्जना की जाती है, वो हृदय से प्रसूत होता है, वो लिखा नहीं जाता, इसलिए हम सृजनकर्ता या रचयिता शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए, कुल चरण 8। बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो 8-8 पंक्तियों के 8 चरण में है, 8 भाग में है, जो आपके समक्ष क्रमवार आएंगे और हम आगे इन्हीं खंडों की विस्तृत चर्चा करेंगे। भाषा खड़ी बोली। बच्चों, भाषा का बहुत योगदान होता है हमारे और आपके ज्ञान में। विषय कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर भाषा हमें ज्ञात नहीं होती तो विषय बहुत दुरूह हो जाता है। लेकिन इस कविता की भाषा खड़ी बोली है, वही जो मैं बोल रही हूँ, वही जो आप बोलते हैं, पढ़ते लिखते हैं और सुनते हैं, इसलिए ये विषय, ये पाठ आपके लिए बहुत ही आसान और सरल लगेगा। आइए बच्चों, शैली। बच्चों, आप जानते हैं कि काव्य रचा जाता है तो कुछ छंद के नियम होते हैं। काव्य की आत्मा कहा जाता है रस, छंद और अलंकार को, तो इनका निर्वाह होता है। इसमें शैली जो है वो भावात्मक और वर्णनात्मक है। रस वीर है, और जब वीर रस होता है बच्चों, तो ओज एक तेज होता है उन पंक्तियों में, जो उन पंक्तियों के माध्यम से आपके हमारे हृदय से होता हुआ हमारे मुखमंडल पर भी आभा बन के निखरता है, प्रखर होता है और दिखता है। ओज की पंक्तियों का बच्चों वो योगदान है कि जब युद्ध भूमि में वीरों को जाना होता था तो ये पंक्तियां ही उनकी सुप्त चेतना को जागृत करती थीं। आइए छंद के बारे में जान ले बच्चों। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, और ये सभी चरण त्रिपाठी जी के बहुचर्चित खंड काव्य स्वप्न से यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। तो बच्चों, ये हुई एक संक्षिप्त चर्चा। आइए, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो इसके रचयिता हैं उनका जीवन कैसा है, साहित्य के लिए उन्होंने और क्या क्या दिया या किया, वो कहाँ से हैं, क्या उन्होंने और भी कुछ लिखा। आइए अगले अध्याय में इसकी चर्चा करते हैं। कवि परिचय के अंतर्गत हम जानते हैं कि त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व की और साहित्यिक जीवन की और क्या क्या विशेषताएं हैं, अपने उलझनों की सुलझन इस अध्याय में हम प्राप्त करते हैं। बच्चों ध्यान दें, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान कोइरीपुर जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, पिता पंडित राम दत्त त्रिपाठी, शिक्षा कोइरीपुर गांव से 9वीं तक। बच्चों, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, एक यही एक माध्यम है जिससे आप पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। आप ध्यान दें कि हम एक विशेष चीज यहाँ पढ़ रहे हैं कि आपकी
क्रमबद्ध जो शिक्षा थी, जो विद्यालय शिक्षा कही जाती है, वो नवीं तक थी। आगे का अध्ययन आपने स्वाध्याय के माध्यम से किया और अन्य भाषाओं पर भी आपका एक अच्छा अधिकार था, जिनमें बांग्ला, गुजराती और संस्कृत है। शैली, खड़ी बोली, भाषा और शैली में आप देखें, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाषा, खड़ी बोली, शैली गीतात्मक और वर्णनात्मक, जिसको आगे हम गीतों में पिरोकर पढ़ेंगे और ये क्लियर होगा। प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, महात्मा बुद्ध और प्रेमलोक। बच्चों, बाल साहित्य में भी त्रिपाठी जी का मन खूब रमता था। कुछ बाल साहित्य की पुस्तकें, बाल कथा कहानी, गुपचुप कहानी, बुद्धि विनोद, आकाश की बातें और फूल रानी। जन्म 1889 ईस्वी, मृत्यु 1962। साहित्य में स्थान, त्रिपाठी जी बहुत बंधकर नहीं चलना चाहते थे बच्चों, तो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में आपको स्थान दिया जाता है। देश प्रेम की धारा आपके पूरे काव्य में प्रसूत हुई है। आइए अब इस देश प्रेम की धारा में हम और आप अवगाहन करने के लिए तैयार हो जाएं और अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। पाठ का मूल भाव। बच्चों, ये वो चरण है जो बहुत ही आवश्यक है। आप जानते हैं कि हर सर्जना के पीछे एक उद्देश्य निहित होता है। इस पूरी कविता के सभी खंडों में कवि ने क्या बताया है? मूल भाव का अर्थ होता है केंद्र, मुख्य बात, केंद्र में जो चीजें हैं। तो आठों खंडों में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, कौन सी बात महत्वपूर्ण है, उसको मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ध्यान दे बच्चों, जो पहला खंड आपके सामने आएगा उसमें कवि ने पूर्वजों के यशोगान का वर्णन किया है, जिससे हम और आप परिचित होंगे कि हमारा जो इतिहास था, हमारे पूर्वजों की जो यश और कीर्ति थी वो कैसी थी। दूसरे खंड के अंतर्गत आप हिमालय के महत्व और सौंदर्य से परिचित होंगे। तीसरा खंड जो है बच्चों, वो पूर्वजों की गौरव गाथा का ही सजीव और आलंकारिक वर्णन है। चौथे भाग के अंतर्गत मानव मात्र को मातृभूमि से एक स्वाभाविक सा प्रेम होता है, लगाव होता है, ये दर्शाया गया है। पांचवा देखिए, हमसे, आपसे, सभी से कवि ने एक आग्रह किया है, एक निवेदन किया है, जो पांचवें खंड में हम और आप पढ़ेंगे। छठा भाग जो हमारे और आपके समक्ष होगा, उसमें स्वाभिमान की शिक्षा दी गई है। बच्चों, स्वाभिमान जीने के लिए बहुत आवश्यक होता है, और जब बात देश की हो, जब अस्मिता की हो, जब गौरव की हो, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, हम आगे विस्तृत चर्चा में इसे पढ़ेंगे। सातवें खंड में देश के लिए सर्वस्व त्याग की बात कही गई है। बच्चों, मातृभूमि वो पड़ाव है, देश वो क्षेत्र है जहाँ सारे रिश्ते बौने हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, वहाँ हमारा कुछ नहीं रहता, सर्वोपरि सबसे शीर्ष पे हमारा देश होता है। आठवां देखिए, देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना। पूरे जितने भी चरण है बच्चों, आठ, ये सभी वर्णनात्मक और भावात्मक शैली में है। पूरी कविता में देशभक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित है। आइए हम और आप इस धारा में बहते हैं, जानते हैं कि क्या है, कवि ने क्या लिखा और कैसे इस हृदय से बहुत सारे हृदय तक ये देशभक्ति की भावना फैलेगी। आइए बच्चों, अब हम विस्तृत अध्ययन की तरफ चलते हैं। प्रश्न अभ्यास। बच्चों, वैसे तो सभी खंड अति महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से सभी उपयोगी हैं, कोई भी भाग आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ खंडों को मैं लेकर यहां विस्तृत अध्ययन के लिए, हमने आठों के बारे में पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन अब विस्तृत चर्चा हम कुछ खंडों की करेंगे। आइए सबसे पहले वो पहला पड़ाव जिसमें हमारे पूर्वजों का यशोगान है, उसके बारे में देखते हैं। बच्चों, ये पंक्तियां आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि पाठ का, वाचन का बहुत ज्यादा महत्व होता है साहित्य में, गद्य में भी और पद्य में भी। ये पद्य है बच्चों, जो एक विशेष छंद विधान के आधार पर रचा जाता है, जिसमें एक लय, एक गति का निर्वाह किया जाता है। आइए हम इसको पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं। आप जानते हैं कि पाठ के दो तरीके होते हैं बच्चों, एक सामान्य और दूसरा छंद विधान के आधार पर। क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, इनका प्रभाव हमारे और आपके अंतर मन पे, मस्तिष्क पे क्या पड़ता है, आइए इस वाचन के द्वारा हम स्वयं जाने। पहले मैं इन पंक्तियों को सामान्य तरीके से पढ़ती हूं, आप सुनिए बच्चों। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण,
अगणित बार सुन चुका है नब जिनका विजय घोष रणगज। बच्चों आपने सुना, ये सामान्य पाठ था। आइए छंद विधान के आधार पर पढ़ते हैं। आपने बार बार परिचय में पढ़ा कि ये पंक्तियां गेय हैं। आइए देखें कि गीतात्मकता की जो बात कही गई त्रिपाठी जी की कविताओं में वो क्या है। ये छंद विधान के आधार पर पढ़ते हैं तो क्या अंतर होता है, सुनिएगा। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव, देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागण अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। बच्चों आपने सुना, पंक्तियां वही हैं, पढ़ने वाला भी वही है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा अंतर महसूस किया होगा इन पंक्तियों में। जब मैंने पहली बार पाठ किया तो वो सामान्य तरीका था, लेकिन जो दूसरा पाठ मैंने किया वो छंद विधान के नियमों पर चलकर मैंने किया, एक विशेष लय गति और ताल का निर्वाह करते हुए। तो आपने सुना बच्चों, इन चीजों का बहुत ज्यादा साहित्य में ध्यान दिया जाता है और इसीलिए इन्हें साहित्य सौंदर्य के तत्व कहा जाता है। आपने वो सौंदर्य महसूस किया। ये पंक्तियां जब गेय होती हैं तो कर्ण प्रिय होने के साथ साथ हमारे और आपके मानस पर, अंतर मन पर एक प्रभाव छोड़ती हैं और स्वतः ही ये हमें स्मृति पटल पर हमारे अंकित होने लगती हैं, ये अंतर होता है। आइए बच्चों अब इन पंक्तियों की विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। अभी आपने पंक्तियों को सुना, अब आइए देखें कि इन पंक्तियों में बात क्या कही गई है, जो व्याख्या आपको परीक्षा में करना होता है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। कवि कहते हैं कि अपने उन पूर्वजों को स्मरण करिए, उन पूर्वजों की कीर्ति यश को स्मृत करिए जिनके साक्षी स्वयं सूर्य हैं। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि यहां गवाही के लिए किसी और को नहीं लिया, उन्हें लिया जो शाश्वत हैं, जो स्थाई हैं। हम और आप तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये जो नक्षत्र हैं ये युगों युगों से यूं ही हैं, इसलिए कवि ने इन्हें साक्षी माना हमारे और आपके पूर्वजों के यशोगान में। कवि कहते हैं अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना न की जा सके, जो बेजोड़ है, जो अलग है, एक ऐसा प्रताप, ऐसा यश, ऐसा गौरव हमारे पूर्वजों का रहा, जिसके साक्षी, जिसके गवाह स्वयं सूर्य हैं। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर चंद्रमा। कवि कहते हैं कि चंद्रमा स्वयं यत्र तत्र सर्वत्र, घूमने का मतलब होता है बच्चों हर जगह, कि चंद्रमा स्वयं यत्र तत्र और सर्वत्र घूम घूम कर जिनकी यश और कीर्ति को देख चुका है, जान चुका है। तो इन नक्षत्रों को साक्षी बनाया जा रहा है, गवाह बनाया जा रहा है, देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागण। कवि कहते हैं कि नभ के जो ये अनंत ताराओं के समूह हैं, ये जो तारागण हैं, ये भी उनके ऐश्वर्य के, उनके वैभव के, उनकी सुख संपदा के और उनके यशोगान के साक्षी हैं, ये भी देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। बच्चों ध्यान दें, कवि कहते हैं कि ये जो नभ मंडल है इसने भी अनगिनत बार सुनी उन युद्ध गर्जनाओं को, उन रणभेरी को जो हमारे पूर्वजों ने बजाई थी, जो उनके द्वारा अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय जो बजाई गई थी। आप जानते हैं युद्ध भेरी बजती है और जब हम विजयी होते हैं तो हमारा जय घोष होता है। कवि ने इन दोनों बातों को कहा है। बच्चों आप ध्यान दें, रण गर्जन और विजय घोष, ये युद्ध से पहले होता है रणगर्जन, और जब हम विजयी हो जाते हैं तो उस समय विजय घोष होता है। कवि ने बताया कि इन दोनों पड़ावों के साक्षी हमारे ये सारे नक्षत्र हैं, जो स्थाई हैं, जो चिर हैं, जो आज भी गवाही दे रहे हैं कि कैसा शौर्य था, कैसा यश था हमारे और आपके पूर्वजों का। पूर्वजों की इसी थाती के संरक्षण और संवर्धन के लिए कवि आपको और हमें प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों ये कितने गौरव की बात है
कि युगों से जो चीजें चली आई, जिनकी गवाही नक्षत्र दे रहे हैं, उनके लिए फिर मनुष्य हम और आप तो बहुत बौने हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। तो आपने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने पूर्वजों के यश को जाना, उनकी कीर्ति को जाना, और अब दायित्व है कि ये यश ये कीर्ति कभी मैली ना हो, इसलिए कभी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें और आपको जगा रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं इन पंक्तियों में विशेष क्या है। काव्यगत सौंदर्य, आप जानते हैं कि जब काव्य की व्याख्या की जाती है तो उसका बहुत ही आवश्यक भाग, अनिवार्य भाग कह सकते हैं बच्चों, काव्य सौंदर्य होता है, जिसके माध्यम से हम बताते हैं कि उसमें क्या चीजें हैं, कैसी हैं और क्या विशेषता है। आइए ध्यान दें, कवि ने अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमामय गान किया। भाषा कैसी रही आपने देखे, कुछ कठिन शब्द भी आपके समक्ष आए हैं बच्चों, तो जो भाषा रही वो संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली थी। आप हिंदी में तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत निष्ठ शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। शैली भावात्मक, एक भाव जो हमारे हृदय से, आज हमारे पूर्वज नहीं है लेकिन कवि की इन पंक्तियों ने कहीं ना कहीं आज उन भावों को जोड़ दिया है कि हम नहीं दिख रहे हैं लेकिन फिर भी हम अपने पूर्वजों से जुड़ गए हैं। कैसे? उनकी यश से, उनकी कीर्ति से, उनकी चर्चा से हमें एक भावात्मक लगाव हम महसूस कर रहे हैं, हृदय से हम एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। तो भावात्मक क्या है ये आपने बच्चों महसूस किया। रस, वीर, गुण, ओज और छंद, वही आप पहले भी परिचित हैं कि 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद संपूर्ण पंक्तियों में अलंकार, अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश। बच्चों ये वो पहला भाग था जिसकी व्याख्या अभी मैंने आपको बताई, आगे लिखने का सलीका और ढंग भी बताया जाएगा। आइए एक और महत्वपूर्ण भाग की चर्चा हम करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये पहला भाग था, आइए पांचवें खंड की चर्चा हम करते हैं। बच्चों ध्यान दें, परीक्षा की दृष्टि से मैंने पहले भी कहा कि सभी भाग अति महत्वपूर्ण हैं और सबके बारे में लगभग चर्चा मैंने कर दी मूल भाव के अंतर्गत, लेकिन विस्तृत चर्चा के क्रम में आइए देखते हैं। इसके पाठ का तरीका आप पहले भी जान चुके हैं, आइए इसकी व्याख्या करते हैं। पाठ इसलिए भी बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब एक बार हम पढ़ते हैं तो कुछ भाव हमें खुलते हुए से महसूस होते हैं, लेकिन जब 2-3 बार हम बार बार पंक्तियों का पाठ करते हैं तो उसमें निहित अर्थ स्वयं ही निकलने लगते हैं। इसलिए वाचन के महत्व को आप समझें, साहित्य में इसकी एक विशेष भूमिका होती है बच्चों, इसलिए 2-3 बार आप इन पंक्तियों को दोहराने का प्रयास करें, फिर अर्थ स्वयं ही निकलने लगेंगे और आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान सा था, लेकिन पाठ का बहुत महत्व है, इसलिए इसको बोल बोल कर पढ़े। मैं पढ़ती हूँ और फिर आपके समक्ष व्याख्या सुने। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर, जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। बच्चों जब काव्य पाठ हो और पंक्तियां देश से जुड़ी हो, आत्मा से जुड़ी हो, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, ऐसा पाठ होना चाहिए, तब सार्थक है। ये पंक्तियां ऐसे ही प्रभाव डालती रहीं युगों से और आज हम और आप इसे पढ़ रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या की तरफ चलते हैं, ध्यान दें बच्चों। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, कवि ने बंधु कहा, सबसे निकट का संबंध होता है बच्चों प्रिय और बंधु, ये ऐसे शब्द हैं जो निकट के संबंध की व्यंजना करते हैं। कवि संबोधित कर रहे हैं हमें और आपको कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, कि हे प्रिय, हे बंधुओं, तुमने स्वर्ग के समान सुखद सकल विभवों की आकर, कि तुम तो स्वर्ग के समान सुखद, जब भी सुख की कल्पना की जाती है, संकल्पना की जाती है बच्चों, तो अगर शब्द आता है स्वर्ग, मतलब एक ऐसा सुख जिसको शब्दों में समेटा ना जा सके। तो कभी देखिए हमारे मातृभूमि को कितना ऊंचा बना दे रहे हैं, कितना गर्व करने का, कितना हर्ष करने का अवसर है कि कवि स्वयं कह रहे हैं कि तुम तो स्वर्ग सी सुखद
सकल विभवों की आकर आकर मतलब खजाना और विभव मतलब वैभव ऐश्वर्य कि तुम संपूर्ण ऐश्वर्य का जो खजाना कहा जाता है जो कोष कहा जाता है ऐसी धरती पर धरा शिरोमणि मातृभूमि पर कि तुमने पृथ्वी के उस खंड पर जन्म लिया है जो संपूर्ण ऐश्वर्य की खान है जो स्वर्ग के समान सुखद है धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तो ऐसे इस पृथ्वी के उस खंड पर जिसको भारत देश कहते हैं जो हमारी आपकी मातृभूमि है जो जन्मभूमि है जो हमारी देश है जननी है उस खंड को कवि ने इतना बड़ा इतना श्रेष्ठ कर दिया कि कवि कहते हैं वो स्वर्ग के समान है उसकी समानता स्वर्ग से कर दी। आप सोचे बच्चों कि जो स्वर्ग है वो क्या है वहां देवता वास करते हैं वहां मनुष्य नहीं रहते पर हम और आप तो मनुष्य हैं लेकिन आप कल्पना करके देखें कि अगर हमें स्वर्ग जैसी धरती मिल गई स्वर्ग से समानता जिसकी बता दी गई वो कितना विशिष्ट है कितना गौरवशाली है। तो कवि कहते हैं कि हे प्रिय हे बंधु तुमने उस धरती के खंड पर जन्म लिया है जो विश्व में शिरोमणि कहा जाता है धरा शिरोमणि वो इस पृथ्वी का शीर्ष है वो हमारा देश है वो आपका देश है जो इस पृथ्वी का शीर्ष है सबसे ऊपरी हिस्सा जिसपे तिलक किया जाता है। आपको पता है कि शीर्ष का महत्व क्या होता है मस्तक का महत्व क्या होता है तो हमारी भूमि को कवि ने शीर्ष पे रखा कि इस धरती का जो शीर्ष है वो हमारा और आपका देश है। धन्य हुए हो जीवन पाकर निसंदेह हम और आप धन्य हैं जो इतनी विशिष्टताओं से युक्त धरती पर हमने और आपने जन्म लिया क्योंकि बच्चों जन्म हमारे और आपके हाथ में नहीं है। कर्म तो हम आप कर सकते हैं कर्म के माध्यम से हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं अपने को विशिष्ट बना सकते हैं लेकिन आपको ईश्वर के प्रति आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया। हमारा सौभाग्य है कि हम इस पर जन्मे हैं क्योंकि ये हमारे और आपके हाथ में नहीं होता। तो कवि कहते हैं कि आप बड़भागी हैं आपका भाग्य बहुत बड़ा है धन्य है निसंदेह हम और आप बड़भागी हैं। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर अब कवि आपको आगाह कर रहे हैं बच्चों इतनी विशिष्टताओं से युक्त जिस धरा पर हमने और आपने जन्म लिया है आप स्वयं विचार करके देखें कि क्या उसके प्रति हमारे और आपके कुछ कर्तव्य नहीं है। कुछ ऋण ऐसे होते हैं बच्चों जीवन में जिसको उतारा नहीं जा सकता उसमें एक मातृभूमि का भी ऋण होता है एक जन्मभूमि का भी ऋण होता है। अब कवि आपका ध्यान उधर ही ले जाना चाहते हैं कवि सचेत कर रहे हैं तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर। कवि कहते हैं कि इतनी विशिष्ट भूमि पे तुमने जन्म लिया जिसका जल तुमने पिया जिसका अन्न तुमने खाया बड़े हुए लेकर जिसकी रज और जिसकी मिट्टी में खेलकर जिसकी मिट्टी में रहकर तुमने ये शारीरिक सौष्ठव प्राप्त किया है ये विशिष्टता तुमने प्राप्त की है तो क्या तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। आप ध्यान दें हमें संबोधित किया गया है बच्चों कि हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं हम वीरों के वंशज हैं इस पर आप विशेष ध्यान दें। कब यूं ही आपसे इतना त्याग करने के लिए नहीं कह रहे उन्होंने आपको संबोधित कर दिया कि आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं आप तो वीरों के वंशज हैं और आप जानते हैं कि वंश बेल बढ़ाना उसके संस्कारों का संरक्षण करना उसका संवर्धन करना हमारा ही काम है संतानों का दायित्व तो होता है। कवि आगाह कर रहे हैं कि आप वीरों के वंशज हैं तो क्या इस शरीर के रहते आप इस धरती को छोड़ देंगे। आप स्वयं विचार करें कि क्या इस मातृभूमि के प्रति हमारे और आपके कोई कर्तव्य नहीं है। कवि ने इतनी विशेषताओं को बताने के बाद यहां आपको और हमको आगाह कर दिया कि हमें और आपको ये शरीर रहते इस धरती का कर्ज चुकाना होगा इस मिट्टी का मोल चुकाना होगा लेकिन कैसे अपने कर्तव्य का अपने दायित्व का निर्वहन करके क्योंकि बच्चों ये वो मिट्टी नहीं है जिसे मिट्टी कहते हैं। कवि ने रज कहा आप इस छोटे से शब्द में छुपे गहरे अर्थों की तरफ जाएं यही व्याख्या होती है बच्चों ये वो सामान्य मिट्टी नहीं है ये वो मिट्टी है जिसे चंदन कहा जाता है ये वो मिट्टी है जिसमें गौरवशाली इतिहास खेला है यहां का बचपन तो शेरों के दांत गिना करता था। तो क्या हम और आप ऐसे ही अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेंगे नहीं ना ये वो मिट्टी है जिसमें ईश्वर भी
शरीर धर के जन्म लिए हैं और खेले हैं। ये इतनी पवित्र मिट्टी है कि जिसके महत्व की व्यंजना शब्दों में समेटा नहीं जा सकता, मैं स्वयं भी नहीं कर सकती, मेरे ज्ञान का वो क्षेत्र नहीं है कि इस मिट्टी की पूरी व्याख्या कर सकूं। बस इतना ही कहती हूं बच्चों कि ये मिट्टी नहीं है, ये चंदन है, ये वंदनीय है, अभिनंदनीय है, इसमें राणा शिवा और भगत खेले हैं, बड़े हुए हैं। इसी मिट्टी में शेरों के दांत गिनने वाले भरत पैदा हुए हैं। अब हमको और आपको अपने मिट्टी के प्रति अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपना काम करना है। आइए बच्चों अब इसके काव्य सौंदर्य को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य इन पंक्तियों में देखिए क्या था। भाषा वही चिरपरिचित, खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रसवीर, गुण ओज, शब्द शक्ति व्यंजना, छंद वही प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, अलंकार स्वर्ग सी सुखद। ध्यान दे बच्चों, जब दो चीजों की समानता की जाती है, तुलना की जाती है, तो आप वहां जानते हैं कि वहां उपमा अलंकार होता है। कवि ने इस धरती की तुलना स्वर्ग से कर दी, इसलिए स्वर्ग सी सुखद में उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जब एक ही शब्द बार बार आ जाते हैं, दोहराए जाते हैं, स स की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। भाव साम्य में वही पंक्तियां जिससे मैंने आज इस कक्षा का प्रारंभ किया था। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और व्याख्या के प्रारूप से हम और आप परिचित होते हैं। व्याख्या के प्रारूप से बच्चों परिचित हो जाएं। जब व्याख्या लिखना होता है तो एक संकेत हम डालते हैं, अतुलनीय रणगर्जन मैंने पहला लिया है। संदर्भ पूरे पाठ्यक्रम में एक ही होता है। प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। पूरे पाठ में यही चलना है बच्चों। प्रसंग बदलते रहते हैं, जो 8 पड़ाव मैंने मूल भाव के अंतर्गत बताए थे, जैसा प्रसंग आएगा उन पंक्तियों में वो भाव आप व्यक्त करेंगे। कुछ कठिन शब्द थे बच्चों, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप उन कठिन शब्दों के अर्थ किताब से अवश्य पढ़ें। अर्णवपोत मतलब समुद्री जहाज, साक्षी मतलब गवाह, प्रत्यक्ष दृष्टा, विभवों की आकर यानी संपूर्ण ऐश्वर्य की खान, अवशिष्ट मतलब शेष बचा हुआ, शत्रुंजय जो शत्रुओं पर विजय जिसने प्राप्त की हो, और कातर मतलब दुख। एक पंक्ति है, विश्वत के रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, ये भी देश प्रेम की भावना की व्यंजना कर रही है। उम्मीद है बच्चों आप पूरे पाठ को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि भाषा आपकी थी, भाषा मेरी थी, मैंने भी पूरा प्रयास किया और आपने भी समझ लिया है। आंतरिक मूल्यांकन के बिना बच्चों कोई भी अध्याय कोई भी पाठ अधूरा होता है। आइए मूल्यांकन के अंतर्गत 1-2 प्रश्न मैं आपको देती हूँ, जो आप आज इस पठित पाठ के आधार पर स्वयं करेंगे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय लिखेंगे, अन्य चरणों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विस्तृत तो मैंने 2 बताए हैं लेकिन लगभग 8 चरण के बारे में मैंने आपको ठीक ठीक बता दिया है। मातृभूमि के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, स्वदेश प्रेम कविता के आधार पर आप लिखें। और संप्राप्ति, संप्राप्ति मतलब आज हमने और आपने क्या पाया, आज हमने अपने गौरवशाली इतिहास को जाना। आइए बच्चों इस उम्मीद के साथ अब मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आपने विषय को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। पुनः अगली कक्षा में हम एक नए अध्याय के साथ, एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।